हेलो जी, कैसे आप सब लोग? एकदम बढ़िया। तो मैं आज वीडियो एडिट कर रहा था एंड ये वीडियो मैंने शूट किया ऑलरेडी 31 दिसंबर से पहले। सो आज पता चला कि न्यू ईयर भी है। सो हैप्पी न्यू ईयर एंड एंजॉय द वीडियो। चलो ले जाता हूँ यहीं पे। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब लोग? एकदम बढ़िया। तो आप शायद वो भी सोच रहे होंगे कि आज चांद नहीं, सूरज कौन सी तरफ से आया है कि मैंने 2-3 दिन में ही दूसरा वीडियो डाल दिया है। तो हाँ, अभी तक वैसा था कि मैं लास्ट 6-7 महीने में एक वीडियो अपलोड कर रहा था, बट अब ऐसा हुआ कि मैंने 2-3 दिन में ये वाला वीडियो सेकंड अपलोड कर दिया है। तो हाँ, आज बात करनी थी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो था कि वाई आई फेल्ड ऑन यूट्यूब। एंड आप में से भी कोई कोई शायद फेल हुआ होगा कि आपके 4,000 आवर्स हो जाएंगे या 1,000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, बट कुछ हुआ नहीं एंड इस टाइम भी मोनिटाइजेशन नहीं हुआ। क्योंकि ये सबको होता है, पैसे किसको नहीं कमाना है यूट्यूब से भी। वैसे फंडा सिंपल है, लाइक ये तो सीख लिया कि ग्रो कैसे करना है, बट ये भूल गई कि क्या अवॉइड भी करना है। तो लाइक स्पीड थोड़ी बनी रहे एंड कंसिस्टेंटली बढ़ती रहे इंस्टेड ऑफ फॉलिंग डाउन अगेन। सो हाँ, उसी की बात करना था। तो ये रहा पॉइंट नंबर 1। मेरा वैसा था कि आई रन बिहाइंड परफेक्शन, कि हर एक वीडियो में छोटी छोटी एडिट्स या छोटे छोटे वॉइस, उसको भी मैं बैलेंस या कलर ग्रेडिंग एंड सब में बहुत ध्यान लगाता था। एंड उसी की वजह से कभी कभी लगा कि कंसिस्टेंसी या क्वालिटी या क्वांटिटी या सब कुछ बिगड़ गया, क्योंकि एक वीडियो में इतना ज़्यादा टाइम दे दिया कि उसने 1-2 महीने ले लिए कि बाद में कुछ आया ही नहीं। एंड हाँ, वैसा ही होता है कि लाइक आप वीडियो बनाते हो, पूरा वीडियो बना लिया, एडिट करने बैठते हो, बाद में वीडियो पसंद ही नहीं आता है एंड लगते हो ये क्या टट्टी जैसा वीडियो है, तो आप शायद अपलोड ही नहीं करोगे। तो हाँ, वो भी है कि कभी आपको शायद लगे कि कंटेंट परफेक्ट नहीं है, एडिट परफेक्ट नहीं है, बट फिर भी पॉइंट वो है कि आप अपलोड कर दो। बाद में परफेक्ट या नहीं है वो तो ऑडियंस डिसाइड करेगी, आप बस अपलोड कर दो। बट हाँ, अब वैसा भी है कि शायद आप अपलोड करने के पीछे वैसा भी नई लॉजिक है कि कुछ भी कचरा डाल दो, क्योंकि ये डंप यार्ड नहीं है, ये यूट्यूब है, समझे? तो हाँ, कुछ भी बना के कुछ भी मत फेंक देना। एंड लेट्स कम टू द सेकेंड पॉइंट, कंसिस्टेंसी। अब कंसिस्टेंसी का मामला वैसा है कि अब जैसे बोलते हैं यूट्यूब के एल्गोरिदम के ऊपर मत चलो, आपका कुछ नहीं होगा, आप अपने मन की सुनो, बट कभी कभी यूट्यूब के एल्गोरिदम भी देखना पड़ता है अगर ग्रो होना है तो। किसको ग्रो नहीं होना है यूट्यूब में, किसको पैसे नहीं कमाना है, वो भी एक पॉइंट है। अब यूट्यूब में ग्रो होना है तो एक तो उनका की पॉइंट वही है कि कंसिस्टेंसी रखना इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी लाइक बड़ा यूट्यूब ब्लॉगर देख लो या कोई भी देख लो सक्सेसफुल, तो उसका भी वही होगा कि उसने कंसिस्टेंसी रखी है इतने सालों तक। वैसा नहीं है कि आज एक वीडियो अपलोड किया, अब एक वीडियो 1 महीने के बाद करेगा या उसके बाद एक करेगा एंड जब मन होगा तब करेगा। अब जैसा अब वो सोच के रखते हैं ना कि जब मन हो तब अपलोड करेंगे, तो सच बताऊँ कुछ अपलोड नहीं होता है। ये मन तो वही बोलता है कि भाई वो इंस्टाग्राम के रील्स देखते रहो, क्या यूट्यूब में अपलोड करके अभी करना है, रील देखो, खुश रहो एंड दोस्तों को मीम शेयर करो, वही चलता रहेगा। एंड हाँ, बाद में कंसिस्टेंसी रह जाएगी साइड में, एंड कंसिस्टेंसी साइड में रह गई तो नंबर्स विल फॉल डाउन। थर्ड पॉइंट, फोकस्ड ऑन स्मॉल थिंग्स। ये पॉइंट ऐसा है कि जो मैंने एक्सपीरियंस किया था, मैं एक एग्जांपल आपको देके बताता हूँ। अब जैसे आप बैठे हो कहीं पे, लाइक मस्त सीन है पूरा, लाइक ब्यूटीफुल सीनरी, बट आपको वो नीचे कीड़ियाँ जा रही है छोटी छोटी, आपका पूरा फोकस वहीं पे, ये साला ये सीन बिगाड़ है, बाकी सीन तो मस्त है, आपको वो पूरा पहाड़ नहीं दिख रहा जो अच्छा सीन है, बट आपका फोकस वही छोटी छोटी चींटियों में है। सो हाँ, वैसे ही काफ़ी हमारे YouTube कंटेंट के साथ भी होता है, हम वो छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी डिटेलिंग में देखते हैं, लाइक कोई टाइम के बाद, कोई एक्सपीरियंस के बाद, वरना तो वो भी नहीं पता चलेगा डिटेलिंग। वो सब कुछ देखने में इतने बिजी हो जाते हैं कि हम वही भूल जाते हैं कि हमें यूट्यूब में कंटेंट भी अपलोड करना है एज पर टाइम गिवन, एंड बाद में कंसिस्टेंसी क्वालिटी सब कुछ टूट जाता है। तो हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि ये छोटी छोटी चीज़ें, लेट इट गो। वो फ्रोजन वाला गाना नहीं सुना है क्या, लेट इट गो, लेट इट गो, एंड पता नहीं आगे लाइन क्या है, बट हाँ वैसे ही कुछ गाना है। सो हाँ, वही है, छोटी छोटी चीजें कभी कॉम्प्रोमाइज कर लो, बट वो देख लो कि क्या इंप्रूव करने की जरूरत है एंड आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट वीडियो में बाद में इंप्रूव कर लेना, बट अभी अपलोड कर दो। फोर्थ रीजन ये है मेरा, वन ऑफ द मेन वीकनेस, लेजीनेस दिखाना।
अपने YouTube वीडियो में, क्या आप वीडियो अपलोड नहीं करते हो? या तो आपने वो YouTube स्टूडियो डाल दिया है तो उसमें एक वीडियो अपलोड करके आप वो एनालिटिक्स देखते रहते हो, कितने व्यूज आए, कितने लाइक्स आए, कितने कमेंट्स आए, कमेंट पढ़ रहे हो, खुश हो रहे हो, बट वीडियो अपलोड ही नहीं कर रहे हो, एंड Instagram रोल कर रहे हो, मीम्स भेज रहे हो दोस्तों को, एंड हाँ बस वो आपको वापिस सेंड कर रहे हैं, आप हंस रहे हो, वापिस और एक मीम सेंड कर रहे हो, एंड उसी के पीछे बैठे रहते हैं, कब 3 घंटे चले जाते हैं पता नहीं चलते हैं। हमारी एज ए ह्यूमन हैबिट वो होता है कि जो टास्क इजीली होता है उसकी हैबिट हमें ज़्यादा लगती है, एंड रील्स भी वैसा है, लाइक आपको एफर्ट क्या करना पड़ता है, बस ऐसे ऐसे स्क्रोल ही करना पड़ता है, बट अब वीडियो बनाना है तो क्या नहीं करना पड़ता है, लाइट सेटअप करनी पड़ती है जो अभी मैंने वहाँ पे की है, एंड एक यहाँ पे की है, कहाँ पे कैमरा रखना पड़ता है वो आप सेटअप करते हो, यहाँ पे माइक है कि जिससे साउंड क्लियर आए, वो सब कुछ सेटअप करना पड़ता है, तो इसके लिए एक एफर्ट देना पड़ता है जो आप शायद लेजी बने रहो या आलस करते रहोगी भाई, चलेगा एक दिन चला लेते और एक दिन चला लेते क्या हो जाएगा, बस वही वो क्या हो जाएगा उससे ही सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। नाउ द फिफ्थ पॉइंट, जो लास्ट पॉइंट है, सेल्फ डाउट। ये सेल्फ डाउट मुझे बहुत हुआ था ये लास्ट 6-7 महीने, ऐसे बोल सकते हैं कि मैंने ब्रेक इसी की वजह से ले लिया। अब सेल्फ डाउट का वैसा है कि लाइक आप ही कॉन्फिडेंस नहीं होते हो तो कैमरा से बात कैसे करोगे, पहले तो आपको खुद पे कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा तो कॉन्फिडेंटली कंटेंट भी आएगा, एंड हाँ जब ये सब कुछ मिक्स हो जाता है लाइक सेल्फ डाउट भी हो जाता है, आप इमोशनल भी होते हो, गाने भी सुनते रहते हो, पता नहीं है लाइफ में आगे करना क्या है, तो ये सब कुछ होगा कहीं ना कहीं पॉइंट पे होता है लाइफ में कि पता नहीं क्या करना है आगे, सो वही होता रहता है, एंड आप अंदर अंदर चले जाते हो, किसी से बात भी नहीं करते हो, एंड फ्रेंड का बाद में कॉल आता है, बोलता है मिलते हैं, आप मिलते भी नहीं हो, बोल देते हो बिजी हो, वैसे बिजी होते नहीं हो आप, बस बेड में पड़े होते हो क्योंकि आपको वो भी करने का मन नहीं है, एंड हाँ अगर आप ही हैप्पी नहीं हो अपने आप से या लाइक जो भी आप काम कर रहे हो या यूट्यूब कॉन्टेंट बना रहे हो तो बना के भी क्या फ़ायदा है, सो हाँ शायद आज आपका अपना दिन ना हो बट क्या होता कल हो, सो हाँ गाना सुनते रहो अपना टाइम आएगा, तू नंगा ही तो आया क्या नंगा है होके जाएगा नहीं भैया वो लाइन भी नहीं थी, एक लाइन कुछ और थी एंड हाँ ये सैड सॉन्ग से तो दूर रहो खासकर अरिजीत, हाँ यही सभी चीज़ें थी कि जो मुझे भी अफेक्ट हुई एंड उसी की वजह से ब्रेक ले गया इतना बड़ा, एंड वही है कि लाइक बड़े बड़े यूट्यूबर्स या वैसे वो बात तो हाँ करते वो भी उनका भी सही है क्योंकि उनको भी एक्सपीरियंस तो मिला ही है ना, अब जैसे देख रहे हो कि कोई कोई डेली व्लॉग डाल रहे हो वो कितने हार्ड होते हैं, कितने एफर्ट दे रहे होंगे तब वो डेली व्लॉग डाल रहे हो, आप 5 दिन ट्राई करके देख लो आपको ही पता चल जाएगा कि कितना हार्ड है वो भी काम करना, सो हाँ एफर्ट देना पड़ेगा, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, कभी कभी परफेक्शन को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करके भी अपलोड करना पड़ेगा, बट मेन तो वो है कि आप पॉजिटिव रहो, अपने आप पे विश्वास रखो, बाकी तो जो होना है वो हो ही जाएगा। शायद आज मुझे लगता है ये थेरेपी सेशन हो गया यूट्यूब के डाउट्स या फेल होने के रीज़न से ज़्यादा, तो हाँ मैंने अभी पंखा बंद रखा है एंड मैं ये यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ, तो पसीना भी हो रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि ये वीडियो यहीं पे ख़त्म कर देते हैं, आई होप कि वीडियो तो अच्छा लगा होगा, सो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड रेड सब्सक्राइब बटन को भूलिएगा मत, मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे बट वीडियो देखते हो, सो हाँ कर लो सब्सक्राइब कि मुझे भी मोटिवेशन मिलती है भाई, सब्सक्राइबर बढ़ रहे लाइक कर रहे, तो हाँ अब ये वीडियो यहीं पे फिनिश करते हैं एंड मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए टाटा गुड बाय, सी यू एंड डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, चलिए बाय बाय, मिलते हैं बहुत जल्द, एडियोस।